एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही कि भाई जो अपना फ्री फायर गेम है उसको अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया अपने इंडिया के अंदर। जी हाँ भाई, एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। साथ ही आप सभी लोग को एक चीज बहुत ही अच्छे से पता होगा कि भाई अपना जो प्ले स्टोर है साथ ही अपना जो एप्पल स्टोर है वहाँ से अपने फ्री फायर गेम को रिमूव कर दिया गया। जिस टाइप से अपने पबजी को रिमूव करा गया था, तो उसी तरीके से सेम अपना जो फ्री फायर गेम है उसको अपने इंडिया के अंदर से रिमूव कर दिया गया। और अगर आप लोग अपने प्ले स्टोर पर जाके फ्री फायर सर्च मारोगे तो आप सभी लोग को वहाँ पर केवल फ्री फायर मैक्स देखने को मिलेगा और अपने फ्री फायर गेम को जो है ना उसको रिमूव कर दिया गया। तो देखो आप सभी लोग, सबसे पहले तो एक चीज आप लोगों ने बोला चाहता हूँ कि मैं अपने फ्री फायर गेम को बिल्कुल भी अनइंस्टॉल मत करिएगा, नहीं तो आप सभी लोग दोबारा अपने फ्री फायर गेम को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे और फिर आप सभी लोग को अपने फ्री फायर मैक्स को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मैं देखो कुछ भी कंफर्म है कि भाई हम लोग को एक या दो घंटे के अंदर अंदर मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, तो तब तक अपना जो फ्री फायर मैक्स है ना उसको भी अपनी गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है या फिर किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से अपना फ्री फायर मैक्स भी रिमूव हो सकता है। तो देखो अपने गेम को बिल्कुल भी अनइंस्टॉल मत करना। और साथ ही बात करिए अपनी एयरटेल सिम की, तो देखो एयरटेल सिम से अपना कोई भी बंदा अपने फ्री फायर गेम को खेल नहीं पा रहा है। साथ ही कंपनी ये बोल रही है कि भाई जो अपना फ्री फायर है मतलब ऐप है ना उसको अपनी इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो देखो ये बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन है और अपने इंडिया के ऑफिशियली मॉड क्रिएटर की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया कि भाई देखो एक ये टेक्निकल ग्लिच है और जो अपना फ्री फायर गेम है वो अभी अपने इंडिया के अंदर बैन नहीं हुआ है। साथ ही भाई लोग जो कंपनी है ना वो अपने इसी गेम के ऊपर पूरी तरीके से वर्क कर रही है कि भाई लोग अपने प्ले स्टोर से साथ ही अपने एप्पल स्टोर पर से कैसे अपना जो गेम है ना वो रिमूव हो गया। तो देखो एक दो या तीन पॉइंट काफी ज्यादा बड़े निकल के आ रहे हैं। देखो पहला तो अपना क्राफ्टन कंपनी ने अपनी फ्री फायर के ऊपर एक केस किया था जहां पर अपनी क्राफ्टन कंपनी जीत गई होगी, सो इस वजह से अपने फ्री फायर गेम को रिमूव कर दिया गया होगा। दूसरा भाई लोग देखो ये भी हो सकता है कि अपने यार फ्री फायर के सर्वर के अंदर किसी ने हैकिंग करी हो और उस हैकिंग की वजह से अपना जो मतलब गेम है ना वो अपने प्ले स्टोर से रिमूव हो सकता है। और तीसरी चीज देखो भाई, अपना जो इंडिया की गवर्नमेंट है वहां से भी कोई भी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये निकल के नहीं आया कि भाई अपने इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल मतलब ऐप को अपने इंडिया से रिमूव कर दिया, प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया। तो देखो ये बिल्कुल भी फेक इन्फॉर्मेशन है। साथ ही अपना जो फ्री फायर गेम है उसको अभी तक का अपने इंडिया के अंदर बैन नहीं किया गया। तो देखो ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। साथ ही आप सभी लोग बता दें ये टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले अपना जो पेटीएम ऐप है ना वहां पर भी यही ग्लिच हुआ था और अपने मतलब कि प्ले स्टोर के ऊपर से अपने पेटीएम ऐप को रिमूव कर दिया गया था और उसके बाद 4 से 5 दिनों के बाद हम सभी लोगों जो पेटीएम ऐप है ना वो फिर से अपने इंडिया के अंदर प्ले स्टोर पर दोबारा से आ गया था। देखो ये टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। साथ ही वालों देखो एक बैड न्यूज भी बहुत बड़ी निकल के आ रही है कि भाई जो अपना फ्री फायर गेम है अगर आप सभी लोग अभी उसको एक्सेस कर पा रहे हो, अगर आप लोग जियो सिम से या फिर वी सिम से खेल लोगे ना, तो अगर आप लोग उसको खेल लोगे तो वहां पर आप लोग अगर टॉप अप करोगे ना सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, तो वहां पर आप सभी लोग को एक एरर लिख के आएगा और वहां पर आप सभी लोग अपने उस आइटम को बाय नहीं कर सकते हो, मतलब कि आप लोग अपने गेम के ऊपर पैसा नहीं लगा सकते हो। और देखो भाई लोग एक चीज ये भी निकल के आ रही कि भाई देखो काफी सारे केस फ्री फायर के ऊपर किए गए थे कि भाई जो बच्चे हैं ना वो अपना मर्डर कर रहे हैं या फिर मतलब वो फांसी लगा लेते हैं, तो इस वजह से शायद अपनी गवर्नमेंट ने टॉप अप वाले सेंटर को भी बैन कर दिया है। तो देखो अभी एयरटेल सिम की तरफ से यार यही कहा जा रहा है कि भाई अपना फ्री फायर गेम उसको बैन कर दिया गया, लेकिन अपने इंडिया के ऑफिशियली मॉडरेटर की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि भाई अपना फ्री फायर गेम है वो अभी बैन नहीं किया गया। साथ ही आप लोग को मैं केवल एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई अपना जो फ्री फायर गेम है उसको बिल्कुल भी अनइंस्टॉल मत करिएगा, नहीं तो आप सभी लोग दोबारा अपने फ्री फायर गेम को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर जगह से अपने फ्री फायर गेम को रिमूव कर दिया गया और अपनी यार जो फ्री फायर कंपनी है ना वो पूरी तरीके से लगी हुई इस टेक्निकल ग्लिच के ऊपर। और साथ ही मेरे हिसाब से मेरे को 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अपना जो फ्री फायर गेम है वो अपने प्ले स्टोर पर हम सभी लोग को फिर से वापस देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप सभी लोग की सपोर्ट की जरूरत है, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि फ्री फायर गेम है वो बिल्कुल भी अपने इंडिया के अंदर से बैन नहीं किया गया। अगर भाई लोग बैन होता तो हम लोग को जी न्यूज या फिर आज तक न्यूज पर कहीं भी हम सभी लोग को कंफर्म न्यूज मिल जाती, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अपना फ्री फायर गेम बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल भी बैन नहीं हुआ है और हम लोग को बहुत ही जल्द अपने प्ले स्टोर के अंदर अपना जो फ्री फायर गेम है वो दोबारा हम सभी लोग को देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों का शेयर कर देना। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।